Hi guys, today I'm going to teach you imperative sentence. मैं आज आपको imperative sentence सिखाने जा रहा हूँ, यानी आप verb से कोई भी sentence आपको बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे. The uses of verb is vast in English language. Verbs का use और verbs का इस्तेमाल और प्रयोग English language में बहुत ज्यादा है. But I will teach you step by step, one by one, all the rules so that you don't get confused. ताकि आपको किसी भी तरह का कोई confusion नहीं हो, तो मैं one by one करके verbs के जितने भी uses हैं आपको सिखाऊंगा. But आज हम लोग जो सबसे पहला rule है verbs से sentence बनाने का, हम उसे शुरू करेंगे, जिसको हम imperative sentence कहते हैं English में. यानी वो सेंटेंस जिससे आप किसी को ऑर्डर देते हो या फिर आप किसी को कोई भी काम करने की रिक्वेस्ट करते हो, राइट? ये बहुत ही सिंपल है. इंग्लिश के अंदर में अगर आपको ऑर्डर देने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए कोई सेंटेंस बोलना हो तो आपको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सेंटेंस उस वर्ब से ही शुरू होगा. जैसे आपको बोलना है जाओ, गो, आओ, कम, बाहर जाओ, गो आउट, अंदर आओ, कम इन, एक ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बैठ जाओ, सिट डाउन. सो ये सब सेंटेंसेस ऑर्डर्स के थे. अब अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो किसी को कोई काम करने के लिए, तो आप उसके लिए भी इंपैरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे. लेकिन शुरू में आप प्लीज का इस्तेमाल करें, प्लीज को यूज करें. इंपेरेटिव सेंटेंस के शुरू में आप जब प्लीज का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट के लिए हो जाएगा. जैसे प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. आपका टोन पोलाइट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आपको प्लीज शुरू में लगाना है. सो गाइज, नाउ यू अंडरस्टूड How we use imperative sentence, उसका meaning क्या होता है. अब हम देखेंगे कि उस sentence को कैसे बनाएंगे example के साथ. So let's get started. So imperative sentence, जैसा मैंने आपको समझाया, imperative sentence का जो use होता है किसी को order देने के लिए किया जाता है या किसी को कोई काम के लिए request करने के लिए. जब आप order देने के लिए use करेंगे तो आपको जो सेंटेंस है वर्ब से शुरू करना है. जैसे जाओ, गो, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, चुप रहो, कीप क्वाइट. तो आपने देखा कि मैंने सेंटेंस को वर्ब से शुरू किया क्योंकि ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस थे. मैं किसी को कुछ करने के लिए ऑर्डर दे रहा था. अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो शुरू में आपको प्लीज लगाना पड़ेगा और आपका जो टोन है थोड़ा उसको आप नरम कर लीजिए. जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए, प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, प्लीज टेल मी समथिंग, मेहरबानी करके या कृपया करके मुझे कुछ बताइए. सो ये सारे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस थे. तो ग्रामर के लैंग्वेज में, ग्रामर के टर्म्स में इन सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. नाउ यहां पे एग्जांपल्स दिया गया है, प्लीज. नाउ आई विल रीड एग्जांपल्स, लिसन टू मी रीडिंग केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज दिस सेंटेंसेस सो दैट यू कैन यूज इट कंफर्टेबली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गो देयर अलोन, वहां अकेले जाओ. लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जलाओ. Give her the key, उसे चाबी दे दो. Don't get wet, मत भीगो. Get wet मतलब भीगना. Get me a glass of water, मेरे लिए glass पानी लाओ. English में get के बहुत सारे uses है. Get का basic meaning पाना होता है, लेकिन get आप पहुंचने के लिए भी कर सकते हैं, लाने के लिए भी कर सकते हैं, मंगवाने के लिए भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो get का use हुआ है लाने के लिए हुआ है. So get me a glass of water, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ. काउंट द मनी, पैसा गिनो.
थिंक एंड देन आंसर, सोचो और फिर जवाब दो. डोंट स्पेंड अ लॉट, ज्यादा खर्च मत करो. इसी तरह अगर आपको किसी को किसी काम से मना करना हो, झूठ मत बोलो, मत दौड़ो, किसी की चुगली मत करो, इसके लिए भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. तो शुरू में आपको सिर्फ डोंट लगा देना है. वर्ब से पहले क्या लगा देना है? डोंट, उसका मतलब मत हो जाएगा. जैसे डोंट स्पेंड अ लॉट, ज्यादा खर्च मत करो. डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना. सो डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो. सो अपने जैसे डोंट लगाया उसका माना मत हो गया. फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ. वार्म द फूड, खाना गरम करो. डोंट टेयर द पेपर, पेपर मत फाड़ो. बी क्वाइट, चुप रहो. डोंट गेट लेट, देर मत होना. फॉलो द रूल्स, रूल को फॉलो करो. बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट, पॉकेट मारो से सावधान या पॉकेट मारो से होशियार. हैव पेशेंस, पेशेंस में सब, हैव पेशेंस, सब्र रखो, धीरज रखो. लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो. डोंट रिपेंट ओवर लॉस, नुकसान पर मत पछताओ. रिपेंट मतलब पछताना, लॉस मतलब नुकसान, ओवर मतलब पर. सो डोंट रिपेंट ओवर लॉस, नुकसान पर मत पछताओ. ऑलवेज बी पंक्चुअल, हमेशा पाबंद रहो. मींस टाइम पे हर काम को करो. जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे उस काम को करो. सो जो भी इंसान टाइम पर जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंक्चुअल. सो ऑलवेज बी पंक्चुअल मतलब हमेशा पंक्चुअल रहो. डोंट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस. डोंट जज, जज मतलब फैसला करना. फैसला मत करो लोगों का बाय देयर अपीयरेंस, उनके हुलिये से. अपीयरेंस मींस जाहिर, जो दिखता है, हुलिया. सो लोगों का फैसला उनके हुलिये से मत करो. गेट रेडी, तैयार हो जाओ. सो गाइज, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि वर्ब्स से बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और वर्ब्स का जो यूज है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा है. और मैं वन बाय वन आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, राइट? सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी आप हिट कर ले, उस आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके और सीख सके. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी इससे फायदा उठाइए एंड इस वीडियो को दूसरे तक भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके. सो गाइज, ये वर्ब्स से बनने वाला जो पहला रूल था, जिसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको आप ऑर्डर देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग. मे गॉड ब्लेस यू. Catch you in next video. Take care.